हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुपर आलम टेक्निकल में। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो रियलमी 6 मोबाइल है मेरे पास, जिसकी फ़िल्म कट गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िल्म चेंज करने का ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। क्योंकि कई बार आप फ़िल्म चेंज करते होंगे तो कैमरे के पास जो फ़िल्म में जो हॉल करते होंगे आप, उसकी वजह से आपका कैमरा कई बार धुंधला हो जाता है, ओसी खींच के कैमरे के पास आ जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसका शानदार सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को देखना तो ही आपको एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाली है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो फिल्म चेंज करने के लिए आपको पूरा का पूरा मोबाइल खोलना पड़ेगा, LCD को फ्रेम से बाहर निकाल लेना और ऑपरेशन ब्लेड की सहायता, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं किस तरीके से हटा रहा हूँ। अगर इस तरीके से हटाने में टाइम लग रहा है दोस्तों, अगर आपका पीछे मेटल फ्रेम है तो आप इसको सेपरेटर पर चिपका कर भी बहुत ही आसानी से उतार सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं इसको विदाउट हीट से भी उतार रहा था, मैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए दोस्तों इसका पीछे का फ्रेम मेटल का है तो ही आप इसको मशीन पे चिपकाए। अगर वैसे अगर आप मेटल का फ्रेम नहीं है, अगर आप चिपका देते हैं तो आपके जो रिफ्लेक्टर होता है उसमें अलग ही टाइप के बबल से बन जाते हैं और वो हटते भी नहीं हैं। अगर आपका पीछे का मेटल फ्रेम है तो ही आपको इस तरीके से इस पर चिपकाना है सेपरेटर पर, और बहुत ही आसानी से ब्लेड की सहायता, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कटर चला रहा हूँ मैं इस तरीके से, और बहुत ही आसानी से इस तरीके से कटर से इस फिल्म को हटा लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप फिल्म उतारेंगे तो बहुत ही जल्दी आप कोई सी भी फिल्म हो बहुत ही जल्दी उतार लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरीके से मैं इसके फ़िल्म को हटा रहा हूँ, और मैं इसकी फ़िल्म को जो इस पर मोटा मोटा गम रह जाता है डिस्प्ले पे, उसको किस तरीके से साफ़ करता हूँ आपको आगे देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी स्टार्टिंग में ओरिजिनल डिस्प्ले आती है ना, उसमें आप किस तरीके से तैयार हुई हुई आती है वो, उसी तरीके से मैं ये फ़िल्म लगाकर इस पर ग्लास लगाने का तरीका भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को देखना तो ही आपको समझ में आने वाली है किस तरीके से आपको बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से जो इस पर फिल्म लगाकर और इस पर पंचिंग वगैरह किस तरीके से करनी है। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कंप्लीट फिल्म उतर गई है। अब मैं जो इस पर मोटा मोटा गम है ना, सबसे पहले तो इस पर तारपिन लिक्विड में अच्छे से लगाने वाला हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे इस तरीके से इस पर मैं तारपिन लिक्विड डालने वाला हूँ। दोस्तों, इतना डालना है कि आपके रिफ्लेक्टर में ना जाए, इस तरीके से आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, रिफ्लेक्टर में नहीं जाना चाहिए। और बिल्कुल नई ब्लेड लें, नई ब्लेड से आप बहुत ही आसानी से इसका मोटा मोटा ग्लू बहुत ही जल्दी हटा लेंगे। दोस्तों, बस ये यहाँ पे बिल्कुल धारदार नई ब्लेड ले तो एक बार में बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी आप फिल्म को जो मोटा मोटा गम है ना उसको हटा लेंगे। दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों इसका आपको कंप्लीट ग्लू साफ़ करना है। जितनी अच्छी क्लीनिंग से आप अपनी LCD को साफ़ करेंगे उतनी ही अच्छी फिनिशिंग से आपकी डिस्प्ले तैयार होगी। दोस्तों, इस चीज़ का आपको ख़ास तौर पे ध्यान देना है। दोस्तों इस तरीके से इसमें मोटा मोटा ग्लू तो मैं इस तरीके से तारपिन लिक्विड से और ब्लेड से हटाने वाला हूँ। फिर लास्ट क्लीनिंग में मैं फैलकॉन लिक्विड का यूज़ करने वाला हूँ, उसकी सहायता से बहुत ही आसानी से और बिल्कुल शानदार क्लीन हो जाता है फैलकॉन लिक्विड की सहायता से। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये डिस्प्ले लगभग लगभग कंप्लीट साफ़ हो गई है। अब मैं इस पर फिल्म भी चेक करने वाला हूँ, उसके बाद उसको लगाने का तरीका भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, तो दोस्तों जो इसमें फ़िल्म मैं लगाऊंगा उसमें किसी भी प्रकार का होल नहीं करूंगा, और लेकिन फिर भी आपका कैमरा बहुत ही क्लीन आने वाला है, आपको लास्ट में भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को देखना तो ही आपको एक एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाली है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं अपना मोबाइल ऑन कर लिया है, डिस्प्ले भी प्रॉपर आ रही है। एक बार मैं फ़िल्म रख के देखता हूँ किस तरीके के कलर बनते हैं। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं फ़िल्म रखते ही हमारे डिस्प्ले में कलर बन गए, रियलमी लिखा हुआ आ गया है। दोस्तों, तो दोस्तों जितनी साइज़ हो आपकी डिस्प्ले की उस हिसाब से आपको फ़िल्म को काट लेना है। इस तरीके से दोस्तों हमारी जो अगर इस तरीके से हमारे प्रॉपर कलर बन रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं।
अब दोस्तों मैं इसको लगाने का तरीका भी बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको लगाना है, उसके बाद किस तरीके से कटिंग करनी है, उसके बाद किस तरीके से ओसी लगाना है, फिर उसके बाद किस तरीके से इसकी पंचिंग करनी है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट वीडियो को देखना तो ही आपको प्रॉपर तरीके से फिल्म लगाने का तरीका आने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ फैलकॉन लिक्विड की सहायता से मैं लास्ट क्लीनिंग करने वाला हूँ, जैसे कि इस तरीके से मैंने कर लिया है। अब मैं इस पर जो फिल्म होती है उसकी, उस पर दोस्तों जो फिल्म होती है हमारी, उस पर तीन टाइप की लेयर आती है। तो दोस्तों पहली लेयर मैंने इस तरीके से हटाकर और जिस साइड गम होता है उस चीज़ को आपको देखना है, और इस तरीके से रोलर की सहायता से आपको पूरी की पूरी डिस्प्ले पे बहुत ही आसानी से फेर लेना है। तो दोस्तों यहाँ मैं किसी भी प्रकार का होल करने वाला नहीं हूँ, और दोस्तों मैं आपको आखिर में भी दिखाने वाला हूँ कि हमारा कैमरा बिल्कुल क्लीन आने वाला है। और दोस्तों अब मैं ओसी किस पे लगाने वाला हूँ उस चीज़ को भी आपको खास तौर पे देखना है। इस तरीके से दोस्तों इसकी साइड की जितनी भी वेस्ट फिल्म है उसको काट लेना है। दोस्तों इस तरीके से ये कंप्लीट मैंने इसको काट लिया है। अब मैं इस पर ओसी लगाने वाला हूँ दोस्तों, ओसी आपको डिस्प्ले पे लगाना है दोस्तों। और दोस्तों जो आप गिलास यूज़ करोगे ना, तो मार्केट में जो गिलास आते हैं कैमरे की साइड बॉर्डर आते हैं, तो दोस्तों आपको ऐसा गिलास यूज़ करना है जो कैमरे के पास है ना ब्लैक कलर की बॉर्डर ना हो दोस्तों। अगर वैसा गिलास आपको मिल जाए ना तो बहुत ही शानदार और ओरिजिनल काम हो जाएगा आपका। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपको रोलर की सहायता जैसे आपने फिल्म लगाई थी वैसे ही आपको ओसीए लगाना है दोस्तों। इस तरीके से ओसीए लगने के बाद जैसे आपने फिल्म काटी थी उसी तरीके से इसको भी साइड से काट लेना है दोस्तों। इस तरीके से हमने ओसीए लगा लिया है दोस्तों। अब मैं इस पर ग्लास किस तरीके से रखते हैं वो चीज़ भी बताने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस ग्लास में किसी भी कैमरे के पास कोई भी राउंड नहीं है शेप मार्केट में आप, क्योंकि ये 100% ओरिजिनल ग्लास है दोस्तों। बाकी मार्केट में और भी ग्लास मिलते हैं जिसमें कैमरे के पास चारों तरफ बॉर्डर होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ओरिजिनल काम करना है और आपने फिल्म भी चेंज करी है ओसीए डिस्प्ले पे लगाया है तो आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं, जो राउंड बिना राउंड वाला ग्लास होता है ना वही यूज़ करें, अलग ही मज़ा आएगा, फिनिशिंग आएगी आपकी डिस्प्ले बनने के बाद दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ग्लास को डिस्प्ले पे रख लिया है। अब मैं इसकी पंचिंग करने वाला हूँ, उसके बाद आपको इसकी फिनिशिंग भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों। देख पा रहे दोस्तों अब मैं इसको मशीन में डालने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैं YMG मशीन में इसकी पंचिंग करने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों यहाँ मैंने अपनी मशीन स्टार्ट कर दी है। अब यहाँ पर आपको जो वैक्यूम टाइम यहाँ अभी 28 या 27 सेकंड के आसपास का है और होल्डिंग टाइम 10 सेकंड का है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी पंचिंग हो गई है। अब मैं आपको पंचिंग की फिनिशिंग दिखाता हूँ किस तरीके की पंचिंग हुई है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं बहुत ही नाम मात्र के बबल है। दोस्तों आप इसको बबल रिमूवर में लगभग 5 मिनट डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। और दोस्तों कई बार ये होता है कि आपकी जो मशीन है हीटिंग मोड पे रहती है, तो आपने अगर नॉर्मल जो ग्लास मार्केट में मिलता है अभी तो उसी वाला होल वाला अगर वो यूज़ करते हैं तो कई बार ये होता है कि कैमरे के आसपास बबल रह जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने फिल्म भी डिस्प्ले पे लगाई हो और ओसी भी डिस्प्ले पे लगाई हो और विदाउट कट वाला ग्लास यूज़ करा हो तो इस तरीके से आप करेंगे ना बिल्कुल फिनिशिंग से आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैं इसको पैक करने वाला हूँ, फिर इसको आपको लास्ट में चेक भी कराने वाला हूँ किस तरीके की फिनिशिंग आई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो भी मैंने सिखाया है बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों जिसको भी हमारा एज कोर्स ज्वाइन करना है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, ओनली 1199 रुपये का कोर्स है। तो दोस्तों आप जाके उस चैनल की उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें मैं हर LCD को विदाउट फ्रीजर मशीन की सहायता से आपको बना के दिखाने वाला हूँ, LCD को फ्रेम से बाहर निकालने का तरीका बताने वाला हूँ, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूँ। आप कोई सी भी एज डिस्प्ले को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये कंप्लीट डिस्प्ले बन गई है। और दोस्तों आप कैमरा देख पा रहे हैं बिल्कुल क्लीन कैमरा आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हमारी जो फिल्म होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है और कैमरे के पास वैसे ही आपको होल रहता है तो आराम से बिल्कुल क्लीन हमको दिख रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।